प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 अफ्रीकी देशों के दौरे के तहत रवांडा पहुंचे। इसके साथ ही मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जो पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा पहुंचे हैं। रवांडा की राजधानी किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। रवांडा अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सोमवार को दोनों देशों के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रवांडा के संबंध समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि रवांडा के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास यात्रा में भारत आपका विश्वस्त साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रवांडा के ट्रेनिंग, तकनीक, आधारभूत विकास और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के क्षेत्र में सहयोग करता रहा है। पीएम मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे के साथ विस्तृत बातचीत और व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रवांडा के लिए 20 करोड़ डॉलर के कर्ज की पेशकश की। राष्ट्रपति कागमे के साथ बातचीत के बाद मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द रवांडा में अपना दूतावास खोलेगा। दोनों देशों ने चमड़ा और इससे संबंधित क्षेत्र और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए। टीम न्यूज़ नाउ।